नमस्कार, मैं हूँ स्वाति पारासर और आज बनाएंगे हम रसम बड़ा। साउथ इंडियन रेसिपी है ये और ये इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बरसात का मौसम, ठंड का मौसम हो, गरम गरम ये मिल जाए ना, एकदम गरम गरम सूप जैसा, और साथ में ये बड़े डले हों इसके साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, साथ में ये बॉडी डिटॉक्स जैसे सूप का काम करता है ये आपके लिए, ये देखिए। और अगर आप इसे थोड़ी देर इसे रख दीजिए तो ये जो है एकदम सॉफ्ट कर लेगा इसे, और ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे दही बड़ा होता है ना वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा क्रंची क्रंची सा खाना हो तो आप तुरंत डाल के इसे खा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम सॉफ्ट कट गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार मेरे कहने पे आप बना के ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रसम बड़ा बनाना। उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं हम टोमेटो रसम। तो सबसे उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैंने टमाटरों को काट लिया है। 4 मीडियम साइज के टमाटर थे जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे काट लिया है, और 2 हरी मिर्च थी जिसे मैंने लंबा लंबा पतला काट लिया है। 6-7 कली लहसुन लिया है, और साथ में ये प्याज है, आधा बड़ा साइज का प्याज था तो आधा प्याज लिया है, और 1 बड़ा चम्मच धनिया है, खड़ा धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, और 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने 1 टेबल स्पून करीब काली मिर्च ली है। इसमें काली मिर्च ज़रूर डालिए और अदरक ज़रूर डालिए, क्योंकि ये जब भी हमें जैसे जुकाम है, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, गले में अगर कोई दिक्कत है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो इसमें जो है काली मिर्च, अदरक ये ज़रूर डाला जाता है, और ज़रूर डालिए आप। तो चलिए इसे सबसे पहले बना लेते हैं रसम को। तो रसम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ जो मसाले, हम कोई भी बाहर का मसाला, बाज़ार का मसाला इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ हम घर के ही चीज़ों से मसाला बनाएंगे बढ़िया, और इतना टेस्टी और हेल्दी रसम बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इसको डाल देंगे, और साथ में आप इसे प्याज को भी डाल दीजिए। आप इसे कूट लीजिए, अगर मोटा दरदरा सा तो ये और भी अच्छा होगा, और भी टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए, इसी में हम ये खड़ा धनिया डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देंगे, और ये जीरा डाल देंगे। आपको इसे पीसना है, मोटा दरदरा सा पीस लीजिए, थोड़ा रुक रुक के इसे चलाइए और पीस लीजिए। तो रसम बनाने के पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, इमली को भिगो के रख दीजिए गुनगुने पानी में। तो ये देखिए, 2 इमली थी और उसे मैंने गरम गरम पानी में भिगो कर रख दिया था। 15-20 मिनट करीब हो गए हैं और ये अच्छे से फूल गई है, तो इससे जो है अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका जो पल्प है इसे निकाल लेंगे, और इसके पानी को भी छान लेंगे अच्छे से, और बीज को हटा देंगे। तो रसम बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल देंगे तेल। 1 बड़ा चम्मच तेल डाला मैंने सरसों का, और तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब डाल देंगे हम राई, हींग डाल देंगे, 1/2 टीस्पून करीब हमने हींग डाल दिया है, और ये जो हमने मसाला पीसा था ये देखिए ये डाल देंगे। हमने इसको मसाले को जो जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया पीसा है ना, उसे मोटा ही पीसना है आपको, दरदरा सा, और आप इसे कूट भी सकते हैं, इससे भी कूटने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे थोड़ा सा हमें भूनना है, जैसे लहसुन प्याज इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट करीब भून लीजिए लो फ्लेम में अच्छे से। तो लाल मिर्च जो थी, खड़ी लाल मिर्च लाल, उसे भी मैंने डाल दिया है। उसे तेल में ही डालना था पर मैं भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिया, भून जाएगा अच्छे से इसमें। और साथ में डाल देंगे मीठी नीम, मीठी नीम की पत्तियों को डाल देंगे इसमें। 2 मिनट हो गए लो फ्लेम में भूनते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब 1 टीस्पून करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर, और इसे मिला लेंगे अच्छे से। साथ में डाल देंगे ये टमाटर, टमाटर को अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम में ही भूनिए इसे अच्छे से। नमक डाल दीजिए जिससे ये अच्छे से पक जाए। 1 छोटा चम्मच डाल दिया मैंने नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और तीखी वाली लाल मिर्च का मत डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें पीसी है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च भी मत डालिए, आप जैसा वो खाते हैं उसी हिसाब से डालिए, लेकिन काली मिर्च ज़रूर डालिए। तो ये बच्चों को भी जैसे खांसी जुकाम है तो उसमें ये गरम गरम सूप जैसे भी आप इसको पिलाएंगे ना, तो बच्चों को ये फ़ायदा करेगा, बड़ों को, बच्चों को, सभी को फ़ायदा करेगा। तो इसे थोड़ा सा ढक लेते हैं और इसे चलाते हुए इसे मैश कर देते हैं टमाटर को अच्छे से। तो टमाटर देखिए अच्छे से मैश हो गए, और ये 3 मिनट में करीब अच्छे से आराम से पक गए हैं, बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसे चलाते हुए भून लिया था, थोड़ा सा ढक दिया था और फिर इसे भून लिया। तो टमाटर अच्छे से मैश हो गए, और यहाँ देखिए 1 कटोरी तुअर की दाल है, ये थोड़ी ऊपर की पतली पतली मैंने निकाल ली थी, इसे डाल देंगे। जब भी आप दाल बनाएं ना तुअर की, तो इसे ज़रूर डालिए,
तो आप क्या कीजिए, निकाल के रख लीजिए। मान लीजिए आपको दूसरे दिन रसम बनाना है, शाम को दाल बनाई है, तो आप एक कटोरी दाल निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। या फिर आप शाम को बना रहे हैं और आपने अगर सुबह दाल बनाई है तो आप उसे रख लीजिए, या फिर आप ताज़ी उसी समय बना लीजिए। तो ये एक कटोरी दाल मैंने निकाल दी थी, इसमें रख दी। तो इसमें हमने डाल दिया है दाल को। दाल डालने के बाद क्या कीजिए, आप गर्म पानी डाल दीजिए, क्योंकि रसम जो होता है एकदम वाटरिंग होता है, यानी आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे रखिए एकदम पतली। 4 गिलास करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें दाल नहीं भी डालें तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर दाल डाल देंगे तो इसका जो टेक्सचर है ना रसम का, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसी एक बेस मिल जाता है रसम को, और वो टेस्टी भी ज़्यादा लगता है। तो इसे डालिए ज़रूर आप। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, पानी हमेशा गर्म ही डालिए आप तो अच्छा रहेगा। इसमें रसम में पानी गर्म डालिए तो इसमें एक उबाली आ जाए ना, तभी आप इसमें ये डाल दीजिए इमली का पानी, मतलब इमली का पल्प भी है इसमें और पूरा पानी है, ये डाल दिया है अच्छे से। और एक बात और है, जब भी आप इमली को भिगोएं तो एक बार इमली को पहले धो लीजिए पानी से अच्छे से, फिर इसको भिगो के रखिए। तो देखिए ये भी डाल दिया है मैंने। अब ताज़ा हरा धनिया डाल दीजिए इसमें, और इसको ज़्यादा रसम को उबालते नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो बारी आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिएगा। तो देखिए लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा थोड़ा अंधेरा लगे तो। और ये हरा धनिया हाथ से तोड़ के डालिए तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और गैस को कर दीजिए बंद, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रहती है, एकदम पतली ही रहती है, ये देखिए। और गैस को बंद कर दीजिए, और थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। तो देखिए कढ़ाई से मैंने दूसरे बर्तन में रसम को निकाल दिया है, और लाइट चली गई थी तो वीडियो जो कुछ वीडियो में मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला था, एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ डाल दीजिए, जिससे जो खट्टा है इमली का टेस्ट है थोड़ा चटपटा सा जो बनता है ना, तो गुड़ डालने से इसका टेस्ट जो है और भी इन्हेंस होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है रसम। तो गुड़ ज़रूर डालिए, छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, एक टेबल स्पून करीब डाल दीजिए आप इसमें, तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो इसे हमने निकाल दिया, और अब तैयारी करते हैं हम बड़ा बनाने की। तो इसे ढक के रख देते हैं। हाँ, एक चम्मच इसमें छोटा चम्मच मैंने काला नमक भी डाल दिया था। वीडियो में गुड़ और काला नमक जब डाला था तो क्या है कि पूरी आ नहीं पाई है, तो आप ज़रूर डाल लीजिए एक टुकड़ा गुड़ का और एक छोटा चम्मच काला नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक कटोरी जो है धुली उड़द की दाल ली थी, और रात भर पानी में भिगो के रख दिया था मैंने। पहले दाल को धो लिया एक दो पानी से, और रात भर इसे भिगो के रख दिया था। 4-5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाती है। जब भी आपको बनाना हो तो 4-5 घंटे पहले इसे भिगो के रख दीजिए। और अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में, इसे अच्छे से पीस लीजिए, और जैसे दही बड़े की दाल पीसते हैं ना ऐसे ही। और इसमें थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े आपको, पहले आप ऐसे ही पीसिए बिना पानी डाले, 1 टेबल स्पून करीब थोड़ा सा आप ठंडा पानी डाल के पीस सकते हैं। और पल्स मोड में ही इसे चलाइए, मतलब इसे थोड़ा सा रुकिए फिर चलाइए, थोड़ा रुकिए फिर चलाइए, एकदम मत चलाइए, और ठंडा पानी डालिए एकदम। तो ये जो है एकदम गर्म नहीं होती, और कलर जो है इसका बिल्कुल अच्छा लगेगा देखने में, और ये जो एकदम फ्लफी बनेंगे, एकदम जो बड़े बनेंगे एकदम फ्लफी और स्पंजी बनेंगे। तो देखिए मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए, और इसे एकदम फेंटना, बहुत अच्छे से फेंटना है, इससे एकदम ये सॉफ्ट और स्पंजी बड़े बनेंगे आपके। तो इसे फेंटना है अच्छे से, देखिए इस तरीके से आपको इसे फेंटना है। अब बड़ा हमारा के लिए जो दाल है अच्छे से फेट गई कि नहीं, इसे देखने के लिए आपको क्या करना है, एक बाउल में पानी रख लेना है और थोड़ा सा उसे डाल के देखना है। अगर ये ऊपर तैर रहा है तो समझिए कि आपकी दाल जो है अच्छे से फट गई है, और आपके जो बड़े हैं वो एकदम फ्लफी स्पंजी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए ये ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब दाल हमारी अच्छे से फट गई है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, थोड़ा सा 2 चुटकी करीब हींग है इसे डाल देंगे पहले। यहाँ पर मैंने कच्चा जीरा होता है उसे थोड़ा सा कूट लीजिए फिर डालिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था उसे मैंने ग्रेट कर दिया है, और उसे भी डाल देते हैं। आधा चम्मच करीब नमक है इसे डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए और डाल दीजिए इसमें। यहाँ पर 2 हरी मिर्च थी बारीक कटी हुई, और 1 जो है कुछ नीम, मीठी नीम के पत्ते हैं तो वो डाल दिए हैं, काट लिया है बारीक और उसे डाल दिया है। हरा धनिया डाल देंगे,
और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो कढ़ाई में डाल दिया है हमने तेल, और मीडियम तेल एकदम गर्म हो जाए। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे पानी का हाथ लगाइए और इसे जो है दाल निकालेंगे साइड से, थोड़ा थोड़ा गोल गोल से ऐसे डालते जाएंगे, बड़े जैसे दही बड़े डालते हैं ना, ऐसे ही बड़े डालना है आपको। बिल्कुल हाई फ्लेम मत कीजिए, नहीं तो ये बाहर से जो है एकदम जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल जो है एकदम जब ये डाल दें बड़े, तो फ्लेम लो कर दीजिए, लो फ्लेम में ही इसे पकाइए। सारे डाल देते हैं इस तरह से, एकदम से चम्मच नहीं डालना है आपको, धीरे धीरे से ही आपको इसे पलटना है। ये मैंने छोटे चम्मच से थोड़ा सा इसे पलट दिया था, क्योंकि बीच का है स्टील की कढ़ाई है तो कहीं जले ना इसलिए। और धीरे से ही जब बिल्कुल हो जाए तभी आपको इसे पलटना है, जिससे ये चिपकेंगे भी नहीं और ये अच्छे से पक जाएंगे। ऊपर ऊपर से तेल डाल दीजिए, इसे गरम गरम तेल डालिए। ये देखिए अपने आप धीरे धीरे ये निकलने लगते हैं। तो देखिए इसे मैंने पलट दिया था, ये देखिए, और कितने ही सुंदर दिख रहे हैं बड़े, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं, और इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही आपको सीखना है। तो पहले मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ इसे हम कैसे खाएंगे, उसके बाद में इसे और बनाऊँगी। फिर रसम बड़ा जो है दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस रेसिपी है, और ये एक औषधि के जैसे काम करती है। अगर आपको बुखार सा है हल्का सा और आपको खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये गरम गरम सूप जैसा आप इसे पी सकते हैं, और साथ में आप इसे बड़े के साथ भी खा सकते हैं। सर्दी जुकाम है उसमें भी फायदा करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी औषधि मिली रहती है, जैसे मसाले मिले रहते हैं, वो आपको औषधि के रूप में काम करते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए ठंड के दिनों में और बरसात में, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय बरसात का मौसम है, पानी गिर रहा है, और ये गरम गरम सूप जैसा बहुत ही अच्छा लगता है। आप पियेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और साथ में आप इसे बड़े के साथ इसे सर्व कीजिए। ये देखिए, और मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितने ये सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बाहर से एकदम क्रंची हैं और अंदर से देखिए इतने बढ़िया बने हैं। ये देखिए, आप इसे सूखा से चटनी से भी ऐसे ही खा सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है इसे खाने में।